तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, जैसे कि हमने 7 के डिविजिबिलिटी रूल में बेटा कुछ स्टेप्स फॉलो किए थे, तो इस सेम क्वेश्चन में भी हम कुछ रूल्स कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे जिसके डिविजिबिलिटी रूल को अंडरस्टैंड करने के लिए 11 का। फॉर एग्जांपल वी हैव ए रैंडम नंबर लाइक 1 2 4 6 7। स्टेप 1, ए पार्टिकुलर नंबर, कोई भी नंबर है जैसे 12,467, ये क्या है, एक डिजिट्स का बना हुआ होता है। इसके अंदर डिजिट्स क्या क्या है, 1 2 4 6 7। सो हम जितने भी डिजिट्स हैं उनको स्टार्टिंग विद राइट हम प्लेस वैल्यूज दे देंगे, लाइक 1 10 प्लेस इज कॉल्ड 2, 100 प्लेस इज कॉल्ड 3, 1000 प्लेस इज कॉल्ड 4 and 10,000 place is called 5. Step 2. Add the digits at odd place value. Odd numbers, if you remember, odd numbers वो numbers होते हैं जो 2 से divisible नहीं होते हैं। So यहाँ पर हमारे पास odd place क्या क्या है, 1, 3 and 5. Now at odd place 1 हमारे पास जो डिजिट है वो है 7, जो 3 पर है वो है 4, और नंबर 5 जो ओड है उस पर जो है वो है 1. सो स्टेप 3 इज ऐड द डिजिट्स एट इवन प्लेस वैल्यू। इवन प्लेस वैल्यू पर जो हमारे पास डिजिट्स हैं बेटा हम उनको प्लस करेंगे, जो कि नंबर 2 पर हमारे पास है 6 प्लस नंबर 4 पर जो है वो है 2, राइट, सो इट इज 8। एंड फाइनली जो हमारे पास स्टेप 4 है उसमें करेंगे हम माइनस स्टेप 3। तो स्टेप 2 में हमारे पास वैल्यू कितना है, 12, 12 माइनस 8 इज 4। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 इज जो हमारे पास जो स्टेप 4 में जो वैल्यू आ रही है, अगर वो वैल्यू या तो 0 हो या फिर रिजल्ट इज डिविजिबल बाय 11, इन द आइदर केसेस जो नंबर है ओरिजिनल नंबर विच वाज 12,467 वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज इट वॉन्ट बी डिविजिबल, राइट।